हमारे देश के चुनाव में हार जीत की धुरी आधी आबादी पर टिकी है। जिस तरफ महिलाओं का रुख, जीत भी उसी की। महिलाएं सियासत में जीत हार में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन राजनीति में उनकी भूमिका कम ही नजर आती है। मध्य प्रदेश के 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां से आज तक कोई भी महिला सांसद नहीं बनी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्र का चुनाव हो या राज्य का, महिलाएं हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर रही हैं। लेकिन आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व करने का मौका अमूमन कम ही मिला है। मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां आज तक किसी भी दल ने महिलाओं पर भरोसा नहीं जताया। उज्जैन, सतना, देवास, खरगोन, खंडवा, मुरैना और होशंगाबाद, ये वो 7 लोकसभा सीटें हैं जहां आज तक चुनावी रण में महिलाओं ने मैदान नहीं संभाला। जबकि उज्जैन और देवास लोकसभा से सटी इंदौर लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार चुने जाने का रिकॉर्ड है। इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस की क्या कुछ राय है, आप भी सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव मातृशक्ति के समुचित स्थान के लिए, राजनीति में उनको मिले इसके लिए प्रयासरत रही है। मोदी जी ने जब नई संसद बनी तो पहला बिल अगर पारित किया तो 33% आरक्षण का। आप इस बिल के बाद देखेंगे कि निरंतर महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ेगी और 33% नहीं, लगभग 50% स्थिति में एक वो समय आएगा जब महिलाएं अपनी जनसंख्या के अनुसार भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। तो ये जो अधूरा काम था वो भी मोदी जी की गारंटी से पूरा होगा। इलेक्शन लोकसभा का है, सिर्फ मध्य प्रदेश या किसी अन्य प्रांत का नहीं है। उस लिहाज से देश की आधी आबादी को हर राजनीतिक दल ने अपने अपने हिसाब से टिकट देकर तवज्जो दी है। किसी प्रदेश में कम आया है तो किसी में अधिक आया है, बट अनुपात उनको पूरा सम्मान देने का है। उस लिहाज से उसे राजनीतिक तूल देना मुनासिब नहीं है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं जिसमें बीजेपी ने 6 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, तो कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट पर महिला उम्मीदवार को उतारा है। इनमें 7 सीटें ऐसी हैं जहां आज तक महिला उम्मीदवार सांसद नहीं चुनी गई। अब देखना होगा कि किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली आधी आबादी कब राजनीति की क्वीन बनेगी। रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।